हेलो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, तो हम सीखने वाले हैं आज संपर्क फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया संपर्क बैठक ऐप के बारे में। तो सबसे पहले आपको संपर्क ऐप बैठक ऐप आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में चले जाइए। प्ले स्टोर में जाके आपको सर्च करना है संपर्क बैठक। जैसे कि ये देखिए संपर्क बैठक ऐप आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए पहले ही डाउनलोड कर रखा है, इसलिए ओपन दिखा रहा है। अगर आप डाउनलोड करेंगे तब ओपन दिखाएगा। उसके बाद जैसे ही आप ऐप पर क्लिक करते हैं ओपन वाले फील्ड में, आपको इस प्रकार से इंटरफेस होगा। यहाँ आपको आपका नंबर डालना है ताकि आप रजिस्टर्ड हो पाए, और लॉगिन में क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक वेरिफिकेशन कोड मिलेगा। उस वेरिफिकेशन कोड को आपको पंच कर देना है। इसके बाद आपके पास इस तरह से इंटरफेस होगा। और अगर आप टीचर हैं तो टीचर, अगर आप पेरेंट हैं तो पेरेंट्स, और प्राइवेट एजुकेटर हैं तो प्राइवेट एजुकेटर, वो आपको चुन लेना है। उसके बाद अपना नाम भर लेना है इस तरह से, अपना स्टेट चुन लेना है जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ छत्तीसगढ़, और अपने शहर का पिन कोड। इस तरह से उसके बाद अपने स्कूल का डाइस कोड, फिर अपना जिला आप लोगों को चूज कर लेना है, और उस जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट में आपका कौन सा खंड है यानी कि विकास खंड या ब्लॉक, और उसके बाद सीआरसी। इस तरह से आपको आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन वाले प्राइवेसी पॉलिसी वाले में क्लिक कर लेना है और रजिस्टर्ड कर देना है। रजिस्टर्ड होते ही आपको आगे इंटरफेस शो होगा इस तरह से। इसको आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, और आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस शो हो जाएगा। इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें लाइव सत्र जो है आप लोगों के सामने आते रहेगा। ये देखिए जैसे कि संपर्क डीडी इंडिया डे 11 मैथ लेसन स्थानीय मांग, कल हमने 4 अंक वाला, मतलब ये रोज का आपका एक लेसन जो है चलता रहेगा। इस तरह से आपको ये देखना है। देखिए ऑल स्टेट कौन से स्टेट में क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है सब अपने बताएंगे। जैसे कि मैं महासमुंद का दिखा दूँ, ये महासमुंद का है। इस तरह से आपको वीडियो मिलेगा बच्चों से, प्राइमरी स्कूल के बच्चों से रिलेटेड वीडियोस, राइम्स और मैथ्स का वीडियो, जिससे कि बच्चे जो है आसानी से समझते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से सीख पाते हैं, जो कि ना सिर्फ टीचर्स के लिए बल्कि बच्चे और उनके पालक के लिए, पेरेंट्स के लिए या गार्जियन के लिए भी बहुत अच्छा ऐप है। इसमें टीचर्स के लिए देखिए जैसे कि विभागीय सूचनाएं हैं जिसको समय समय पे हम पढ़ सकते हैं। इस तरह से आपको इंटरफेस शो होगा जिसको आप देख सकते हैं और समझा सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैं स्थानीय मान के बारे में देखिए एक वीडियो आप लोगों के सामने शो हो रहा था। इस तरह से ये जो है आपके नेटवर्क के ऊपर है कितना जल्दी ये शो करता है आपको। ऐसे वीडियो जो है बच्चों को देखने के लिए स्थानीय मान, इस तरह से इस वीडियो में हम देखेंगे 1000 के स्थान तक स्थानीय मान की अवधारणा को। तो इस तरह से वीडियोस बच्चों को देखने को मिलेगा जिससे वो आसानी से समझ सकते हैं और बहुत ही सरल तरीके से घर बैठे सीख सकते हैं। तो संपर्क फाउंडेशन ने बहुत ही अच्छा या ऐप जारी किया है जिसके जरिए हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं मोबाइल के जरिए से। और यहाँ आपका प्रोफाइल वगैरह है जिससे आपको समझ में आता है।
देखिए जैसे कि ये है, यहाँ आपको ऊपर में टॉप में एक योर ओपिनियन इनोवेशन क्वेश्चन वगैरह दिया गया है। इसमें क्लिक करके आप अपना सवाल वगैरह या आपका जो आइडियाज़ हैं, जो नए तरीके हैं पढ़ाने के, नवाचार वगैरह, इसको आप यहाँ शेयर कर सकते हैं। इस तरह से आपका आपका जिला, आपका राज्य शो करेगा, जिसके जरिए से आप आसानी से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये स्मार्ट शाला में आपको क्लिक करेंगे तो आपका देखिए संपर्क स्मार्ट शाला में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 आप लोगों को दिखा देगा। और छत्तीसगढ़ टेक्स्ट बुक में देखिए आप लोगों को दिखाई देगा। क्लास 1 में जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो क्रम अनुसार सिखाने के लिए संपर्क स्मार्ट शाला प्रोग्राम का अनुसरण करें कहा जा रहा है इसमें, तो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के द्वारा प्रोसीड किया जाए ऐसा लिखा हुआ है। तो इसके देखिए जैसे कौन कौन सा लेसन है उसके पाठ में इंग्लिश में ये आपको दिखाई देगा, मतलब आपके पास पुस्तक नहीं फिर भी आप इसके जरिए सिखा सकते हैं। इसको आप सबसे पहले डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और बच्चों को उसके लिए सिखा सकते हैं। इसके बाद नीचे SSA एडिशनल रिसोर्स 4 वाला वर्कशीट है और प्रोग्रेस चार्ट वगैरह है, गतिविधि वीडियो है, जिस गतिविधियों में वीडियो में आप देख सकते हैं। एक वीडियो यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा है और पैक करके आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से दोस्तों बच्चे, पेरेंट्स और टीचर्स इसमें बहुत ही मज़ेदार तरीके से इस ऐप का इस्तेमाल करके बड़ी ही आसानी से इंजॉय करते हुए इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं घर बैठे और लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं।